भारत ने जुलाई में कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया, लेकिन अगस्त के शुरू में 25 करोड़ के टारगेट से चूका। मेडल जीतने पर बोले पीवी सिंधु के पिता, सिंधु ने पूरा किया पीएम से किया वादा, अब प्रधानमंत्री की बारी। राष्ट्रपति कोविंद आज पहुंचेंगे चेन्नई, 5 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था के साथ 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। कोरोना की तीसरी लहर का हो सकता है आगमन, भारत में कम नहीं हो रहे संक्रमण के मामले। चुनाव से पहले रूठे किसानों को रिझाने पर मोदी सरकार का ध्यान, 9 अगस्त को 19,000 करोड़ रुपए खाते में डालने का प्लान। पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए बनी रणनीति, मोदी जैसा शख्स खड़ा करने की कोशिश में लगा विपक्ष। 5 अगस्त को पीएम मोदी मनाएंगे अन्नोत्सव, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। बीजेपी सांसद ने की थी कांग्रेस गठबंधन की भविष्यवाणी, उस बैठक में भी हुए शामिल जिसका पार्टी ने किया था बहिष्कार। डिवाई सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं यूपी के नेताओं को बिहार आने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में सस्ती हुई बिजली, कंपनियों द्वारा अब FSA नहीं लिया जाएगा, मंत्री बोले ये ऐतिहासिक फैसला। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।